दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड एमआर सपोर्ट ऑटोमेशन। दोस्तों, अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि किस तरीके से आज जो 23 मई है, आज इलेक्शन की जो काउंटिंग चल रही है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो उसके लाइव अपडेट आप एक्सेल पे कैसे देख सकेंगे। तो क्या था कि उस समय मैंने बनाया था वीडियो, 7 बजे का वीडियो था, काउंटिंग 8 बजे के बाद स्टार्ट हुई है, तो वहां पे सारा 0-0 दिख रहा था। तो अब यहाँ पे देखिए, राइट क्लिक करता हूं मैं, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करते ही यहाँ पे जो है, जो भी काउंटिंग है वो आपकी अपडेट हो जाती है, आप जब रिफ्रेश करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि अलग अलग वेबसाइटों पे देखेंगे तो अलग अलग आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, और अलग अलग आप यहाँ देखें चैनल्स पे जाएं तो अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग रिजल्ट आपको दिखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो रिजल्ट आपको दिखते हैं वो लास्ट में जो दिखता है वही 100% होता है, वो कम ज्यादा होते रहते हैं। वहां से इन्होंने क्या बोलते हैं, उनके न्यूज रिपोर्टर ने बोला कि 500 होने वाले हैं, 540 होने वाले, नहीं 530 होने वाले, ऐसे होता है। तो लाइव अपडेट नहीं होता है, लेकिन ओरिजिनल और सही रिपोर्ट कहाँ होती है, इलेक्शन कमीशन की साइट पे। तो मैंने इलेक्शन कमीशन की साइट खोली है और ये रहा पार्टी वाइज कि कौन कितना लीड कर रहा है। तो अभी जो है 60 है आपका कांग्रेस, ये है बीजेपी है, और कांग्रेस अभी 1 पे चल रही है, नहीं 17 है, माफ कीजिएगा, ये तृणमूल कांग्रेस है। अब 2 हो गया, अपडेट हो गया, ये देखिए 30 हो गया, 79 हो गया, ये अपडेट होते रहते हैं। तो ये सेम अपडेट हम यहां पे कैसे करें, तो हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फ्रॉम वेब या डेटा मेनू बार के अंदर, फ्रॉम वेब या गेट डेटा में, यहां फ्रॉम अदर सर्विसेज में, फ्रॉम वेब पे या फ्रॉम वेब यहां भी ले सकते हैं, दोनों है, और फिर इसमें यूआरएल को पेस्ट करते हैं एंड ओके करते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, देखिए आ गया, टेबल 0 नहीं होगा, डॉक्यूमेंट नहीं होगा, यहाँ देखिए ये रहा सारे पार्टीज के हिसाब से और ये रहा टोटल, आप यहाँ पर देख लीजिए और फिर इसको आप जो है यहाँ से लोड कीजिए। अब एक बार इसको, अभी देखिए अपना आप रिफ्रेश हो गया, ये क्लिक करते अपने आप रिफ्रेश भी होता रहेगा, ध्यान रखिए, जैसे साइट की पेज अपडेट रिफ्रेश होगी यहाँ भी रिफ्रेश हो जाएगा। नहीं होता तो राइट क्लिक करके आप रिफ्रेश भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए 79 आपका बीजेपी है, 30 आपका नेशनल कांग्रेस है, 2 आपका तृणमूल वेस्ट बंगाल की है जो पार्टी है, ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपका अलग अलग पार्टीज है, मुस्लिम लीग है, श्रोमणी अकाली दल है, शिवसेना है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है। तो अभी बोलो जैसे सारे पार्टी तो नहीं है, जैसे जैसे जिनके अकाउंट खोलने ओपन हुए हैं वैसे वैसे यहाँ पे भी 136 ही आप इसका विधानसभा क्षेत्र का स्टार्ट हुआ है, तो जैसे जैसे स्टार्ट होगा वैसे यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ बने रहे और हमारे साथ लाइव इंटरैक्टिव 1-to-1 क्लास आप देखना देखना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहां पे सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो मुझे कॉल कीजिए।